David. बाद उनके घर की फजा आज भी सोगवार है। उधर तहकीकाती इदारों ने एक और सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दी। जैनब के वालिद ने सीसीटीवी फुटेज की तस्दीक कर दी है। कहते हैं सीसीटीवी फुटेज में मौजूद बच्ची जैनब ही है। ताहम उनका मुतालबा है कि अगर कोई करीबी शख्स या रिश्तेदार भी है तो उसको सरेआम फांसी दी जाए। मजीद बताएंगी नुमाइंदा न्यूज रूबा अरूज। जी बिल्कुल, कसूर में इंसानी बर्बरियत और दरिंदगी की मिसाल कायम हुए। 7 रोज गुजर गए और अब तक जो है वो जो मुलजिम था और जिसने ये सारा शहर किया, पूरे पाकिस्तान को एक जो है वो अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया, अभी तक उसको उस तक नहीं पहुंचा जा सका। इस वक्त हमारे साथ जैनब के मकतूला के फादर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि अभी तक की क्या जो है इन्वेस्टिगेशन हुई, कहाँ तक पेशरफ्त हुई, कोई कातिल पकड़ा गया या फिर हम इंतजार कर रहे हैं अगले किसी वाक्य का। इन्वेस्टिगेशन दायरे बता रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी मिल रही हैं को जो अभी वक्त से पहले डिस्क्लोज नहीं हम कर सकते, तो लेकिन ये भी है कि टाइम भी इतना गुजर गया है, अभी तक कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं हुई जिससे को कहा जा सके कि हम करीब पहुंच गए हैं। यही मुतालबा है पूरे पाकिस्तान का, कसूर के शहरियों का और जैनब के घर वालों का कि जितनी जल्दी हो सके उस सफाक दरिंदे को